सुमित राघवन उर्फ राजेश वागई की तरफ से गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। परिवा प्रणति उर्फ वंदना वागले की तरफ से हैप्पी गुड़ी पाड़वा। No, we are always working. Working is our festival. Yes, yes. We have a festive mahal on set when we are working. So actually, मैंने अपना पहला गुड़ी पाड़वा वागले के सेट पे ही मनाया था। हमने जब शूट किया था तब मुझे एक्चुअली कैसे मनाया जाता है और काफी ऑथेंटिक शूट किया था तो मुझे पता चला था कि वो सब क्या प्रोसेस होता है। राज और बंधु के प्लान्स चलते ही रहते हैं हर फेस्टिवल। देखिए जब त्योहार आता है तब वागले की दुनिया जो है वो हमारी सज धज जाती है और हमारी जो साई दर्शन सोसाइटी है मिलके हाँ उसमें फिर धूम मचती है। फिर होली हो, गणपति बप्पा हो, दिवाली हो, दशहरा हो या फिर गुड़ी पाड़वा हो। गुड़ी पाड़वा ये जो है वो महाराष्ट्रियन नव वर्ष की शुरुआत होती है गुड़ी पाड़वा को। तो और वागले परिवार एक मराठी परिवार है तो हम गुड़ी घर के बाहर जो है वो सजाएंगे और फिर हम सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और फिर श्रीखंडपुरी का भोजन होगा। यस नहीं वो अपने घर में मनाते हैं ना मतलब सेट पे हमने बनाया था लास्ट ईयर। और व्हाट इज दैट वो गुड़ी जो बनाते हैं? वो एक वो लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर वो छोटा एक क्या कहें उसे कलश टाइप का उल्टा, उसको उल्टा करते हैं उसके ऊपर रोली बांध एक कोई अच्छा कपड़ा हाँ कपड़ा उसको धागे से बांधते और फिर उसके ऊपर वो जो क्या बोलते हैं बत्ताशे बत्ताशे की जो माला उसको पहनाते हैं। तो एक्चुअली मैंने अपना पहला गुड़ी पाड़वा वागले के सेट पे ही मनाया था। हमने जब शूट किया था तब मुझे एक्चुअली कैसे मनाया जाता है और काफी ऑथेंटिक शूट किया था तो मुझे पता चला था कि वो सब क्या प्रोसेस होता है। बेसिकली इट्स जैसे हमारे अलग अलग देश में प्रांतों के हाँ अलग अलग प्रांतों के क्या कहें न्यू ईयर होते हैं। तो वागले में भी इनफैक्ट अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आई एम अ बिहारी, मेरे फादर एफ एस में से, तो मैं ऑलमोस्ट पूरा देश घूम चुकी हूँ। गुजराती हैं बहुत सारे लोग, राजस्थानी हैं, दीपक जो जोशीपुरा बनते हैं। सो बट या हम जब एक भी फेस्टिवल मना रहे होते हैं तो हम सबको एक मौका मिलता है टू एक्चुअली लर्न बिल्कुल अलग अलग फेस्टिवल्स के बारे में। एंड इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। Working is our festival. Yes. We have a festive mahal on set when we are working. So 100% we will be working. और सिर्फ सिर्फ दिवाली को ही छुट्टी मिलती है, अदरवाइज हम लोग होली एंड दिवाली सेट देखते हैं। कुछ मिठाई वगैरह तो आती ही, हमको बस मौका चाहिए होता है। नहीं नहीं, और तो हमारे जो हैं वो प्लस दीपेश आल्सो ही आल्सो लाइक्स टू ट्रीट एवरीबॉडी। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं तो एंड प्लस ये दीपेश पार्ला में रहता है तो उस पर भी मराठी संस्कार पैदा भी है। समीर कुलकर्णी महाराष्ट्रियन है, अमित कानेरे वो महाराष्ट्रियन है, तो यस वो एक माहौल है। गुड़ी पाड़वा फेस्टिवल मनाने का तरीका ये होता है कि सब जुड़ जाते हैं फेस्टिवल में। अच्छा अच्छा कुछ मंगाओ और खाओ। गुड़ी पाड़वा की मेमोरीज नहीं है सच, इन द सेंस छुट्टी होती थी क्योंकि अप्रैल का महीना है, ये जो होती है तब एग्जाम होती है, यू नो फर्स्ट अप्रैल रादर सेकेंड थर्ड अप्रैल टू द 14th-15th ऑफ अप्रैल ये एग्जाम्स होती थी, एनुअल एग्जाम्स जिसे कहते थे। तो यू नो तो गुड़ी पाड़वा उसमें निकल जाता था और फिर वो छुट्टी मिलती थी तो वैसे करने को कुछ मिलता नहीं था क्योंकि हम अगला कल के एग्जाम की जो वो तैयारी करने में बिजी होते हैं। बट इट इज़ फन और इट्स जैसे कहते हैं ना कि मकर संक्रांत हो गए ना, जो तिलगुड़ खा गुड़ बोला, तो वहाँ से जैसे एक उत्तरायण की शुरुआत होती है या फिर होली के बाद ना वसंत पंचमी के बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। हर एक ऋतु जो है वो उसका भी एक यू नो इट्स सो साइंटिफिकली यू नो एक्सप्लेन इन आर यू नो कल्चर। तो हाँ थ्रू आर फेस्टिवल एब्सोल्युटली
बैसाखी को भी तो ये होता है ना कि वो क्या कहते हैं, वो फसल कटती है, तो हर एक त्योहार का एक एक यू नो क्या कहते हैं महत्व है. सो गुड़ी पाड़वा मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मराठी कैलेंडर. फेवरेट चीज, हर फेस्टिवल की सबसे फेवरेट चीज होती है खाना. खाना, होली पूरन फेस्टिवल खाने के लिए मनाते हैं. गुड़ी पाड़वा श्रीखंड पूरी, दिवाळी करंजी, बेसनाचे लाडू, चिवडा आणि शंकरपाळ्या. थैंक यू. कितनी जानकारी है देखिए.